तो वेलकम टू माय और यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जगहों पे, जहाँ पे हम एडवेंचर्स ट्रैकिंग, वो भी मेरे दोस्त के साथ। वहाँ पे आपको बहुत मजा और एडवेंचर्स फील होने वाला है दोस्तों। चलिए आपको आज मैं दिखाता हूँ। देखो, ये है अंबाझरी बायोडायवर्सिटी पार्क। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही, आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। दूर देखो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रोड बनाया है नितिन गडकरी जी का काम है। जी बहुत जबरदस्त रोड बनाया है, सीमेंट रोड है, पूरा नागपुर भर में बनाया है। और यहाँ पर तो और अच्छा, ये जो जगह है पश्चिम नागपुर में स्थित है। चलो दोस्तों, आज आप एंट्री करते हैं। सबसे पहले आज यहाँ की एंट्री टिकट सबसे कम है, यहाँ की टिकट है कितना भैया टिकट का रेट? 10 रुपए यार, सबसे कम 10 रुपए। वाओ, चलो टिकट निकाल दिए। और आप देखोगे तो डेली का 10 रुपए टिकट है और 6 महीने का यहाँ पे 400 रुपए लेते हैं। और ये बहुत जबरदस्त जगह है, बरसात में तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको सिर्फ हरियाली मिलेंगी। जब और ये लगभग आपको 20 एकड़ में फैला हुआ पार्क है ये। वाह यार, पार्किंग की जगह बहुत ही है यहाँ पे, आपकी गाड़ी प्लेन कुछ भी पार्क कर सकते हो यार यहाँ पे आप। चलो दोस्तों, आज आपको मैं कुछ दिखाता हूँ बहुत ही खूबसूरत। चलो चलो जल्दी दौड़ के चलो यार, यहाँ पर थोड़ा सावधानी से भी आइए, सावधानी। और देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यार, सावधान दिखा, सावधान। यहाँ पे बहुत अलग तरह के प्राणी भी पाए जाते हैं, मोर मोर पक्षी। सबसे डेंजर तो एक ही चीज है, वो है कुत्ते। सबसे डेंजर तो एक ही चीज है, वो है कुत्ते, वो भी जंगली कुत्ते। डुक्कर का हमें काटते जाता है। यहाँ पे जो बिपटा देखा गया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसकी वजह से वहाँ पे ऑलरेडी नागपुर के वन क्षेत्र विभाग वालों ने पहले आप सूचना डाल के रखी कि सावधान, यहाँ पे वही बिपटा है, वो यहाँ पे अभी भी है, बस उससे आप समझ रहे हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो देखो, नदी है वो, तालाब तालाब सॉरी तालाब नदी। बहुत ही खूबसूरत नजारा है सर। दोस्तों ये अंबाझरी तालाब, दोस्तों मैं आपको आज दिखाता हूँ अंबाझरी तालाब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तों। नागपुर में सबसे बड़ा तालाब यही है, वो आता अंबाझरी। वहाँ की मछलियाँ सबसे मीठी और खाने में सबसे स्वादिष्ट होती है। चलो वाह यार, इधर भी रास्ता है, इधर जाना, इधर भी रास्ता, पर जाना कहाँ पे वो पता नहीं, जाना हमको इस साइड में है। अरे वाह यार, क्या ब्यूटी, आप तालाब देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये बहुत बड़ा है। इसका आप कहाँ से भी इसको आप पूरी तरीके से देख नहीं सकते, क्योंकि ये हर जगह से नहीं, क्या जैसे वो होता है ना बेट, जो ये होता है बेट, उसकी वजह से ढका हुआ है, तो आप इसको कोई भी एंगल से पूरा नहीं देख सकते तालाब, आपको हर एंगल से थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मछलियाँ बहुत पाई जाती है, बड़ा रास्ता ये ढांचे से ढक जाता है। वही तो टाइगर के पंजे के निशान। आज छोड़ के जा रहे हो बहुत ही घना, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। देखो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और अलग अलग प्रकार के सांप बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डसने वाले। वाह यार, बहुत ब्यूटीफुल, मौसम में यहाँ पे जो नहीं आ रहा है मिस कर रहा है, बहुत काफी कुछ मिस कर रहा है। मुझे
लगता है कि आना चाहिए। ओ वाओ वे, देखो दोस्तों और क्या मिल गया यार मुझे, टाइम मिला है सर यार। ये तेल की आप अभी जो पिछले बार न्यूज में आया था यही का था क्या वो? यही का। अरे हाँ दोस्त, देखो यार सावधानी, हमला करने के लिए कोई बचेगा क्या? क्या है ये? अकेला रियली मालूम है, अकेला कोई आ ही नहीं सकते आप, इतना डरावना जंगल है। बहुत ही यार पेड़ दिखाई यार, बहुत ही खूबसूरत है यार, इसकी खूबसूरती भी खूबसूरत है, वो आकर्षक जो डिजाइन है दिखाई यार, पेड़ की जो डिजाइन है, जो शाखाएं यार बहुत अच्छी तरीके से फैली हुई है, जो बहुत मजा आया। मैंने सही बोलूं मैंने कहीं नहीं देखा यार, ये फर्स्ट टाइम में ऐसा पेड़ देखा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फैला हुआ है, मन को सुकून देता है सुबह सुबह। आप यकीन नहीं करेंगे ये सब चीजें नागपुर के अंदर है। हाँ यकीन करेंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नागपुर के अंदर है, तो बहुत लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है, हमने वीडियो बनाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखे यार, नागपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है घूमने लायक, ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए है, घूमने लायक है, लोग ज्यादातर तो बाहर ही जाते हैं, पर अपने इधर भी बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है, और वहाँ के सबकी जगह दिखाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं, कुछ कुछ आपको जगह दिखाऊं यार नागपुर की यार अच्छी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो या पसंद आता हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, और कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आओ, नागपुर के हर जगह, नागपुर के हर बेहतरीन जगह खूबसूरत जगह बनाओ और आपको दिखाओ। चलो दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, नाम के दीवाने यार, वो क्या जगह है यार, वाओ क्या नजारा है दोस्तों, क्या पहाड़ी है, छोटी है पर बहुत ही मजेदार पहाड़ी है, देखो क्या नजारा है यार, एक हुआ है कि क्या है, नजर डालो यार, ये नाला है दोस्तों मेरे ख्याल से, तो पानी कितना स्वच्छ है, जानवरों को पानी पीने, हाँ यही है, हाँ दोस्तों झरने की सुंदर सी आवाज आ रही थी इधर से, गंदा पानी मत दिखा रहे। सुनो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे नर और मादा दोनों पानी पीने के लिए आते हैं दोस्तों, देख लो जगह, और यहाँ का पानी देखो कितना शुद्ध है, अभी तो लोग भी आना शुरू हो गया, आना चालू हो गया दोस्तों, ये हमारे सर है कारवांडे सर, सर ये वो अंपारी पहचान वाले सर है, वो कारवांडे सर, कारवांडे सर और उनके दो फ्रेंड्स, यहीं से 2 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, ये देखो क्या है दोस्तों, मुझे क्या दिखाई दिया, देखो अभी अभी बिल्कुल फ्रेश है, ताजा ताजा है, चाट के देखो दोस्तों, यही से हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मोर बहुत ज्यादा ज्यादा संख्या में है दोस्तों, मोर काला काला मोटी करता है, वो चिड़िया की फुल गया कौन जगह भी जाने वाला है, आगे चलो तो आगे चलो मामा सर, पूरा 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 आने दो, अंजेंद्र जूते चप्पल से लगभग ये अभी तक हम 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं और तकरीबन और 2 किलोमीटर आगे चलना है हमें, तो जिसको भी मतलब जो थकता है जल्दी वो कृपया करके ना आए, अगर आपको आना है तो आपको थोड़ा स्टैमिना चाहिए 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर वैसे ही वापस आने का। जो कि इसका नाम जो है देखो दोस्तों ये कौन सा फूल है, बहुत ही वनस्पति वाला फूल है दोस्तों, सुंदर वनस्पति है, फूल है, शायद मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी यहीं से यहाँ पे औषधि ले जाते होंगे और उससे औषधि बनाते होंगे, वनस्पति बहुत काफी है,
जो कि अपने फायदे के लिए है, अपना देश आयुर्वेदिक के बहुत नज़दीक जा रहा है, एलोपैथिक को छोड़ के आयुर्वेदिक की तरफ में बढ़ रहा है। जब से कोरोना आया है तब से लोगों ने अपनी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा सहारा लिया है और यहाँ पे काफ़ी प्रकार की वनस्पति है। आइए, ठीक है। यस, ठीक है, बोलूँ? हाँ हाँ बापू, इसमें से जो अपन जो फालतू बात करें ना, उसमें सिर्फ नहीं किया वो अपने वीडियो रखना स्पीड में, 5 की स्पीड से। हाँ, नहीं डिलीट करो, मैं अपने 5 की स्पीड से। चालू है, टेंशन मत ले, अपन 5 की स्पीड से इसको चला देंगे ना फटफट। तू आगे जाना बापू, रास्ता दिखाते हो, चलता ना मैं तुमको। बहुत अच्छा रमणीय वातावरण है, इतना सुंदर वातावरण है, निसर्ग इसी को बोलते हैं, इसी को जन्नत बोलते हैं। सुबह के आप 1 घंटा होंगे तो आपको जन्नत जैसा फील होगा। यार जन्नत जम्मू कश्मीर पर, मैं कहता हूँ भाई जन्नत नागपुर में है और यही है असली जन्नत, तो यही है दोस्त। यहाँ पे ट्रैकिंग करने का बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना फ्रेश एयर कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। दो लोग हो रहे खुशबू, वाह यार, मट्टी की खुशबू जो आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है। मट्टी की जो खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ही पता नहीं सकते यार, इतनी मनमोहक, इतनी खूबसूरत। यहाँ से व्यू ले, वाह यार दोस्तों, मैं बोलूँगा इधर आ। तो हेलो दोस्तों, आपको आज इतनी बेहतरीन और खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ दोस्तों, आप मनमोहक हो जाओगे। चलो यार देखो, वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटी यार, वाओ क्या खूबसूरत है यार। और सब सिर्फ 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए में यार, ऐसी सुंदर जगह आपको कहाँ मिलेगी। लोग भी आना चालू हो गए हैं, और दो लोग आ रहे हैं रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए आते हैं लोग, कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। चलो चलो आगे चलो, बहुत ही मस्त खूबसूरत नज़ारे है, वाह। मामा सच ना, देखो क्या कुंदा पेड़ है, ये कुंदा पेड़ है, वाह यार क्या पेड़ है, क्या फूल है, कौन से फूल है ये। बाबा रामदेव से कांटेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमें तो बाबा रामदेव से ही पूछना पड़ेगा दोस्तों कि ये कौन सा फूल है, हमें इतनी जानकारी तो नहीं है दोस्तों, होती तो आपको मैं जरूर बता देता। बहुत ही खूबसूरत फूल थे दोस्तों, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ नजारा यार, मजा, मेरे पैसे वसूल हो गए भाई 10 रुपए। दस रुपए में बेटा तुम्हारे को ऐसा ही मिलेगा, इतना मिलेगा 10 रुपए में तुम्हारे को। देखो दोस्तों हमें कुछ दिखा रहा है, वाओ शूट करो यार, क्या है हवा में तितली उड़ रही है यार, बहुत ही खूबसूरत नजारा है यार। एक्चुअली ये जाले में फंस चुकी है, हवा में उड़ नहीं रही है, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, एक रेस्क्यू मिशन हम ये करेंगे। देखो अब अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जाले में फंसी हुई है, ये हवा में उड़ रही है, हम इसे बचाए या ना बचाए, क्योंकि रेस्क्यू करना है कि नहीं करना है, तो अभी हम इसको रेस्क्यू कर रहे हैं। कुछ तो है, अभी आजाद हो गई है, अभी आजाद हो गई है दोस्तों, हमने बचा दिया एक की जान, ये बैठी बहुत ही खूबसूरत है, अभी वो दुआएं देंगे। दूसरी जगह फंस गई, एक जगह निकाला है, दूसरी जगह फंस गया, फिर भी हम कोशिश करेंगे उसे बचाने की। पकड़ लेने अभी गई काम से, उसको मकड़ी ने पकड़ लिया, नहीं दोस्तों हम बचाने की कोशिश। ये रोज का नजारा है यहाँ पे, जंगल में नजारा है, तो एक मेक को तो शिकार होगा ही दोस्तों, शिकार फिर भी हम उससे कोशिश करेंगे दोस्तों, हम बता नहीं सकते। छोड़ दे, ये निसर्ग का एक खेल, इसको तुम रोक नहीं सकते, यार रोक नहीं सकते आप। जंगल में कानून अपना नहीं चलता है, मानव का नहीं चलता है, यहाँ पे निसर्ग का कानून चलता है, इसलिए हम इसे चीज को रोक नहीं सकते। शिकार है, एक दिन शिकारी का शिकार हो जाता है। हाँ लुक मैं दोस्तों, मेरा लुक कैसा है यार दोस्तों, छोटी सी लकड़ी पकड़ लेता हूँ साथ में। वाह देखो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है मुझे, हमें
वो क्या है? वो पानी का, पानी का कुछ तकलीफ ना हो है, क्या है क्या है वो? वहाँ से पानी निकाला जाता है। अच्छा, वहाँ से पानी निकाला जाता है दोस्तों। और नागपुर के जो रूरल एरिया है वहाँ पर बाहर का यूज करने के लिए और दूसरा यूज करने के लिए वहाँ से पानी निकाला जाता है। बहुत ही खूबसूरत है यार, यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है यार। यहाँ पे आप फोटो शूट के लिए भी आ सकते हो यार। तो इतने सुंदर सुंदर फूल, फूल है यार, छोटे छोटे फूल है, बहुत ही है। इतना घास है, घास में इतना सुंदर ओस पड़ी हुई है। कैमरामैन इधर दिखाओ जरा, ओ कैमरामैन देखो, ओस देखो, ओस देखो, वाओ यार। थोड़ा दूर से हाँ, वहाँ पे हो सकता है कि सांप है। ओ माय गॉड, गॉड क्या है? देख लिया हमने, ओ किसी की चप्पल, किसी की चप्पल है यार, वाओ। दो कपल्स आ रहे हैं यार दोस्तों, बहुत ही प्यारे कपल्स है उनकी। देखो ये से बोलते हैं लव, जितनों से सालों से एक साथ है। देखो यार नजर लगा, वाओ बहुत ही खूबसूरत कपल्स है दोस्तों आ रहे हैं, वो भी हाथों में हाथ पकड़ के। हमने आज करीब करीब 40 साल से तितलियां नहीं देखे हमने, वाओ यार तितलियां भी दिखाई दे रही है, वो भी रंग बिरंगी यार, कितनी खूबसूरत तितलियां यार, वाओ। आज यहाँ पे आ गए, रोज उधर मिलते हैं ना, वाह हम भी आज यहीं पे आ गए, इधर भी दिखाओ दोस्तों, इधर भी बहुत ही खूबसूरत नजारा है जो दिखाई दे रहा है, वाह कितना बढ़िया है ये, देख क्या बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। उसको बाहर आया हुआ है, ये घास से कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे, और पानी उससे बहुत सारे बूंदे, पानी की बूंदे, ओस 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 की बूंदे, ये जो घास है इसके ऊपर ओस के बूंदे है, जो अभी कैमरे क्वालिटी से आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, पर बहुत अच्छा नजारा है। हम जितना कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सप्लोर करने की, नजदीक लेना चाहते हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं उतना हम कैमरे तक पहुंचा रहे हैं, आपकी पूरी खबर, पूरा व्यू, पूरा पिक्चर। देखो दोस्तों बहुत ही नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों। बेर के झाड़ आपको कम पानी में भी मिल जाएंगे, इसलिए आप बेर जल्दी उग जाते हैं। अगर आप देखोगे ये बरसात में इतनी बड़ी बड़ी घास है, ये धूप काले में यहाँ पे आग भी लग सकती है, आग भी लग जाती है बहुत बार, तो बाकी झाड़ तो नहीं बच पाते, पर बेर ऐसा झाड़ है जो कम पानी में कम इसमें जाता है। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो आपको मैं दो बहुत अच्छे पंछी दिखा पाऊंगा, वो जो दो बड़े बर्ड दिख रहे बहुत प्यारे बैठे वहाँ पे, वो एक्चुअली मच्छी खाने वाले हैं। थोड़ा सा ज़ूम करके दिखा। हाँ हाँ दिख रहे। वो जो दो बर्ड है वो बगुले की एक प्रजाति के हैं, जो मच्छी खाते हैं, वो भी वहाँ बैठ के आराम फरमा रहे हैं, बाद में आप यहाँ आकर मच्छी खाएंगे। देखा दोस्तों कितना प्यारा नजारा था, वो बहुत ही खूबसूरत। हाँ हम मुझे तंग नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हम अपने रस्तों से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे। जो तालाब है बहुत प्यारा तालाब है, आप इस तालाब में कहाँ से भी आप स्विमिंग कर सकते हो, ये पानी इतना साफ है कि आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। डेली इस अम्बाझरी तालाब में लगभग 100 से 150 लोग अम्बाझरी गार्डन वाले एरिया से स्विमिंग करते हैं, तो ये आप कहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से आपको नहीं क्या? मैं कोशिश करूँगा कि वो जगह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अम्बाझरी गार्डन के जो अंदर के है, जो खामियाँ है, मतलब अच्छा ये, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। लोग ज़्यादातर वहाँ करते हैं स्विमिंग करते हैं, वो भी आपको दिखाऊँगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा, वो वीडियो भी हम जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। उल्टा जा रहा हूँ दोस्तों मैं आज, उल्टा दौड़ने वाला हूँ। अम्बाझरी तालाब की खास बात है तैरने के लिए बहुत अच्छी जगह, आपको नागपुर में सभी स्विमिंग पूल बंद मिलेंगे, बट यहाँ पे सबसे अच्छी तैरने के लिए जगह नागपुर की ये अम्बाझरी तालाब ही है, जो अम्बाझरी लेक का अम्बाझरी गार्डन वाला एरिया है। क्या जगह है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। वाह नजारा यार, वाह बहुत ही घना जंगल है यार ये दोस्तों, देखो
कुछ तो है यहाँ पे। हॉरर फिल्म की शूटिंग भी हो सकती है, इतना घना और डरावना जंगल है। देखो आवाज, वाह देखो देखो क्या दिखाया है, तो जागो जागो पे पोस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। वाह देखो देखो क्या दिखाया है, तो जागो जागो पे पोस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। आदेश दे रहा है सावधानी रखो, यहाँ पे जरूर शेर बिपटा या कोई जंगली जानवर का अस्तित्व है और वो मौजूद है, इसीलिए आपको ये बार बार सावधान कर रहा है, कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। चलिए आगे, धीरे धीरे मेरे को आ रहा है ना बाबू जैसा। क्या देख लिया दोस्तों मैंने, इसको घोरपड़ बोलते हैं। हाँ, इसको घोरपड़ बोलते, घोरपड़ देख लिया दोस्तों हमने, बहुत अगर इसने पकड़ लिया तो ये छोड़ती नहीं है। वाह यार क्या कैमरा में आ गया यार, विलुप्त तो दो गुफाएं बहुत हमें लगते हो विलुप्त जाति की ये घोरपड़ है। देखो गुफा दिखा, उनका घर, उनका तू ही दिखा भाई मेरे को तो, बड़ा का घर ये घोरपड़ का घर है। अगर आप घोरपड़ जानते होंगे जो सांप को खाते हैं तो देख सकते हैं आप, ये उनका घर है, ये किए है और अभी अभी यहाँ से निकली है वो, देखिए अगर आप देखोगे तो वो इधर ही आ गई है दोस्तों, अभी ही देख दी है। उनको छोड़ दीजिए आप, जाने मत, जाइए उधर से बाहर आ जाइए। अगर आप देखोगे तो ये उनकी गुफा है, अभी एक निकला है यहाँ से जो इधर ही गया है और जिससे वजह से बहुत डर लग रहा है। अगर इसने आपको पकड़ लिया गलती से भी तो ये आपको छोड़ता नहीं है, तो एक मन है ऐसी कि 12 गांव के गधे बुलाना पड़ता तब जाके छोड़ती वो। अगर उसने पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं है वो, उसकी पकड़ मगरमच्छ से मजबूत पकड़ होती है उसकी। कुछ तो दिखा यार, रियली कुछ तो दिखा, मजा आ गया। कैमरे में था क्या? कैमरा में था, बहुत अच्छा था यार, देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं कैमरे में आया कि नहीं आया करके। आया है दोस्त।
व्यू दिखाएं। तो हमारा ये पहला पड़ाव है, यहाँ तक हम कर रहे हैं। सेकंड पड़ाव हम आपको साइड में जाके एक हमारी मशान है, मतलब मशान टावर है, हम आपको टावर में चढ़ के दिखाएंगे ये इसका व्यू कितना अच्छा है और प्यारा दिखता है। देखो दोस्तों हम कहाँ पे पहुँचे हैं, देखो दिखाई दे रहा है, ये पानी की टंकी है, यहाँ से पानी की निकासी होती है और एमआईडीसी एरिया में इसमें दिखाते हैं। देखो दोस्तों क्या है, देखो पाइप लाइन यहाँ से पानी सप्लाई होता है वाड़ी वाली एरिया में, बाहर की यूज करते हैं, यानी कुछ मशीन वगैरह जो बन बनते हैं जो पास बनते हैं तो यहाँ का पानी नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ से वो पानी जाते हैं पाइप लाइन से। दोस्तों मुझे आप पानी की टंकी है वहाँ पे, यहाँ पे आप शूट भी कर सकते हो फोटो वगैरह, यहाँ पे आए यहाँ पे आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं, पिकनिक खाना वगैरह या कुछ थोड़ा बहुत, देखो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग आए घूम के देखो आराम कर रहे लोग, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलो मैं आपको और एक जगह दिखाता हूँ, कहा जा दोस्तों देखो हमें हवा भी आ रही है, गार्ड कोई सोया है, गार्ड वगैरह सोए लगते हैं यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने रिसर्व भी करने हैं। व्हाट अ ब्यूटी यार, चलो री और मिलते को दोस्तों क्या देखते हैं, मैंने क्या देखा, देखो 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 क्या है चिड़िया और बहुत ही एडवेंचर था यार। देखो पूरा पसीना हमारा दिख रहा है, देखो हमारा एक दोस्त थका आ रहा है पूरा दौड़ते हुए, बहुत ही रनिंग करने के बाद तो थक गए हम लोग, जब हम यहाँ आए थे तो कोई नहीं था, अब देखो पूरी गाड़ी आ गई है, सबसे ज्यादा लोग आ गए अंदर ही, लगभग 100-150 लोग जमा हो गए, जब आए तो एक भी गाड़ी नहीं थी, अभी देखो कितनी सारी गाड़ी आ गई, लोग जा भी रही है, कुछ लोग और आ रहे हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे आने का हमारा जो रिव्यू था।